नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार लरमेश में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मॉक 46 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले के सारे मॉक जो कि 1 से 45 तक होंगे, उसका सलूशन आपको जो है प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रहे, ये जो पूरा का पूरा मॉक है, ये आपका SSC GD का प्रीवियस ईयर का जो है मॉक है, मतलब कि कोई टेस्ट सीरीज का नहीं है। जितना भी PYQ है उसका ही सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसके PYQ को इफेक्टिवली सॉल्व कर ले। इन्हीं बातों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 46 का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि एक कार जो है पहला 35 किलोमीटर जाती है 15 मिनट में, नेक्स्ट 45 किलोमीटर जाती है 25 मिनट में, एवरेज स्पीड निकालना है। सीधी सी बात है, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, ऊपर क्या आता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या होता है? टोटल टाइम। यही तो बात है ना, टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पहला 35 किलोमीटर, फिर 45, 35 और 45 कितना होता है? 80। टोटल टाइम कितना होगा? 15 और 25, 40 मिनट। ये मिनट है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर में कन्वर्ट कर, नहीं, घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से भाग दे दिया है। तो 20 दूना 40, 20 60, 2 से 40 भर में आंसर जो निकल के आया हुआ है 120। 120 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की रफ्तार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि डायमीटर और हाइट सिलेंडर का DN/DY2 दिया हुआ है, तो हमें बताना वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, r का मतलब डायमीटर बाई 2, तो पाई, फिर डायमीटर इसका कितना है? d है, तो D/2 तो रेडियस हो गया, इसका स्क्वायर। हाइट कितना दी है? हाइट भी D/2 है, तो ये आ गया πd³/8, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक पंचायत इलेक्शन हुआ है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 28% मिला है टोटल वोट का, और वो जो है विनर डिक्लेयर किया गया, उसको इक्वली डिवाइड किया गया है 3 नेशनल पार्टी में। तो अगर टोटल वोट जो है वो 1200 है, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी वोट्स डिड ईच नेशनल पार्टी कैंडिडेट गेट। देखिए, टोटल होता है 100%, इसमें से जो विनर है ना, विनर इंडिपेंडेंट वाला, इसको मिल गया 28%, बचा कितना? 72% बचा है। अब 72 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर एक 24%, 24%, 24% हो गया। बात समझ में आ गई? तो जो नेशनल पार्टी था 3, उन सबको 24% करके मिला है, 28% लाने वाला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या हो गया? जीत गया। क्वेश्चन में है कि जो 100% है ना दोस्त, इसका वैल्यू 1200 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो 24% का वैल्यू कितना हो जाएगा? बरचो 48 एंड 24 4 28, तो 288 वोट मिलेंगे। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक काम का 3/4 पार्ट 9 दिन में, बी 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, सी की मदद से काम को 60/11 दिन में कंप्लीट किया गया, एंड ₹330 मिले हैं काम करने के। अगर मनी को रेशियो ऑफ वर्क डन में शेयर किया गया है, तो हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए, सी एंड ए कितना होगा। आइए, ए जो है 3/4 काम करता है 9 दिन में, पूरा का पूरा काम कितना दिन में कर लेगा? 12 दिन। बी जो है आपका 2/5 काम करता है 12 दिन में, पूरा का पूरा काम कितना कर लेगा? 6 कट जाएगा ना यहाँ पे, तो 30 दिन। इधर ए हो गया है, बी हो गया है, फिर तीनों ने मिलके काम किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने, ए ने जो काम किया है वो कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में, बी 30 दिन में, इन तीनों ने मिलके किया है 60/11 दिन में। टोटल वर्क जो है, हम इसका LCM अज्यूम कर लेते हैं, तो इन सबका LCM हो जाएगा 60। ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 11। अगर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 11 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? देखिए, 5 एंड 2 मिलके तो 7 ही हो रहा है, तो सी का एफिशिएंसी होना पड़ेगा 4। यहाँ पे जो बातें समझने वाली है वो ये है कि जब ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहा है, तो तीनों ने इक्वल टाइम के लिए काम किया है, बोलेंगे कि हाँ। तो जब इक्वल टाइम के लिए काम किया है, तो वर्क डन जो होगा ना, अगर टाइम सेम है दोस्त, टाइम सेम है, सेम टाइम के लिए सबसे काम किया है सबने, तो वर्क डन जो होगा ना, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर समानुपाती हो जाएगा? इफिशियंसी के, मतलब जिसका इफिशियंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा। तो जो पैसे का डिवीज़न जो वर्क डन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए था, वो बेसिकली इफिशियंसी के रेशियो में हो जाएगा। तो ए बी सी, ए का इफिशियंसी 5 है, बी का इफिशियंसी 2 है, सी का इफिशियंसी 4 है, इसी रेशियो में होगा।
टोटल देखे तो कितना आ गया, 13, और 13 का 5 2 7 4 11, 11 का वैल्यू है 330, 1 का वैल्यू कितना होगा 30। और हमें बी ए एंड सी का डिफरेंस चाहिए, ए एंड सी का डिफरेंस तो एक ही यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू है 30, तो दोनों के कमाई में जो डिफरेंस होगा वो मात्र 30 रुपये का होगा। आगे चलिए, चार क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक टिकट का कॉस्ट प्राइस एक बुक एंड पेन का है 371 रुपये। अगर बुक का कॉस्ट प्राइस 12% ज़्यादा है पेन से तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना होगा। बुक एंड पेन का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो हम निकाल लेते हैं, 12% ज़्यादा है, 12% का मतलब हो गया 3/25, तो एक का अगर 25 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28/25 हो गया है। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 53 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 53 का वैल्यू 371 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 7। निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का तो कॉस्ट प्राइस 25 × 7 175 रुपये हो गए, तो सही आंसर आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 3 नंबर जो है जिनका रेशियो है 6:4:10, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 3800, तो हमें नंबर बताना है क्या होगा। एक तो ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है आपके, आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए, अगर दूसरा दिख नहीं तो आप ये कर सकते हैं, एक नंबर 6 के हो गया, दूसरा 4 के हो गया, फिर 10 के हो गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करके ऐड करना है, ये होगा 36K² ये हो गया 16K², ये हो गया आपका 100K², वैल्यू कितना आ गया 152K², और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3800, तो यहाँ से K का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफैक्ट K का वैल्यू निकालना है तो 3800 को आप 152 से भाग दे देंगे, यही है, तो ये जो है 25 बार में कट गया और K का वैल्यू आ गया 5। जैसे ही K का वैल्यू 5 आ गया, जो नंबर से हो जाएगा 30, 20 और 50, और इस क्वेश्चन में इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सीधे आप ऑप्शन वेरीफाई कर लेते और आपको ऑप्शन मिल जाता ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, 7 में है कि सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन मार्च जो है वो 7500 है, कंपनी ने उसका सैलरी इंक्रीज किया है हर एक मंथ बाई 2%, तो मई में कितना हो जाएगा। देखिए मार्च में इसका सैलरी इतना है और हमें निकालना है मई में कितना होगा। देखिए मई में जाते जाते जो भी सैलरी है वो 7500 से तो ज़्यादा होगा ना, 7500 से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब मार्च में पूरा होगा फिर अप्रैल में पूरा होगा, 2 बार इंक्रीमेंट हो गया, मई के शुरुआत में ही हमें सैलरी चाहिए। अब आप खुद बताइए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो 7500 से ज़्यादा जाना चाहिए, और 7500 से ज़्यादा ऑप्शन तो एक ही है ऑप्शन नंबर 3, कुछ करना ही नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका कि रमेश एंड सूर्य जो है काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, अगर वो लोग ऑल्टरनेट डे पे काम करेंगे रमेश को स्टार्ट करते हुए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया बताना है। एक है रमेश, एक है सुरेश, एक 10 दिन में, एक 12 दिन में, टोटल काम हम इसका एलसीएम अज्यूम कर लेते हैं 60, रमेश का एफिशिएंसी 6 हो गया और इसका कितना हो गया 5 हो गया। अभी 60 काम करना है, लेकिन भैया क्या है कि पहले रमेश से स्टार्ट करेगा, अगले दिन क्या करेगा सुरेश, तो फर्स्ट डे कौन आया रमेश और इसने आके 6 काम कर दिए, सेकेंड डे कौन आया सुरेश और इसने आके 5 काम कर दिए, तो 2 डेज में टोटल 11 काम हो गया है। अभी हमें 60 के पास जाना है, 5 से गुना करके 55 हो जाएगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो हमें पता चला कि 10 डेज में जो है 55 काम हो गया, अभी बचा काम कितना है 60, 60 में से 55 गया 5 बचा हुआ, 5 काम करने कौन आएगा रमेश, तो पूरा का पूरा टाइम कितना लगेगा 10 दिन तो लग गया है, बाकी 5 काम करना है उसको 6 के एफिशिएंसी से, तो 10 पूर्णांक 5/6 आ गया और सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में एक डीलर जो है उसने प्राइस फिक्स किया है आर्टिकल का 40% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, सेल करते टाइम वो 20% का डिस्काउंट देता है और 72 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, तो हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, फिर मार्क प्राइस होगा, फिर सेलिंग प्राइस होगा। पहली बात जो है कि उसने 40% दाम बढ़ाया है, 40% का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस 5 था तो उसने 7 कर दिया, कोई बात नहीं, फिर वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 5 रुपये के सामान वो 4 में बेच रहा है, यही बात है। अभी रेशियो को कंप्लीट करते हैं तो खाली जगह पे यहाँ 7 लिख देंगे और 5 के पहले खाली है तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 25, ये आ गया 35, ये आ गया 28, यहाँ पे देखेंगे तो गैप कितने का है 3 का, लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है कि नहीं ये जो वैल्यू है 72 है, 1 का वैल्यू 24 हो गया, तो हमें कॉस्ट निकालना है 25 का वैल्यू, 25 का 100 50 और 10 60 600,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जोसेफ जो है वो 30,000 रुपये लेता है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और इसे वो एंड ऑफ 2 ईयर्स में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना एट द एंड ऑफ ईच ईयर उसे पे करना पड़ेगा। देख लीजिए, 5% का मतलब 20 का जगह पे उसे 21 देना पड़ेगा एक साल के अंत में। तो पहले साल के अंत में अगर चुकाना चाहे तो 20 के प्लेस पे 21 देगा, अगर दूसरे साल के अंत में चुकाना चाहे तो पहले साल का 400 दूसरे साल के 441 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब शुरू में अगर उसने 400 लिया है, 2 साल के एंड में चुकाना जाएगा तो उसे 441 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट है दोनों सेम होना चाहिए, तो ऊपर 21 से गुना कर लेंगे, यहाँ 21 × 20 हो जाएगा कितना 420। अगर इधर आप जोड़ो टोटल जोड़ेंगे तो 842 800 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 882 हो जाएगा। एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि हम लेफ्ट वाला क्यों जोड़ते हैं राइट वाला क्यों नहीं जोड़ते। राइट वाला ये जो है पूरा का पूरा मिश्रधन है, मतलब दो बार जो उसने रुपये दिए दोनों मिला के कितना हुआ, लेकिन क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पूछता है। इंस्टॉलमेंट तो आपका 441 ही है ना, 441 दो साल मिल के, दो इंस्टॉलमेंट मिल के 882 हुआ। अगर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछे तो हमें 441 का वैल्यू क्या हो गया बताना पड़ेगा। इसीलिए अभी क्वेश्चन में दिया है कि ये जो 840 है ना दोस्त, ये 840 का वैल्यू है 30,000, और हमें निकालना है 882 का वैल्यू, 882 नहीं 441 का वैल्यू। देखिए अभी गड़बड़ हो रहा था, तो 30,000 को 840 से भाग करके 441 से गुना करना पड़ेगा। गया गया, 3 से देखेंगे तो 1, 2, 3, 3 × 28 = 84, फिर 7 × 28, 7 × 42, 2 × 44, अब 7 × 31, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 63,000 को 4 से भागा देना पड़ेगा, तो 15 × 60, तो 15 × 60 = 28, तो 15 × 7 करके आएगा, तो यही एक ऑप्शन है 15 × 7 वाला। तो आप देख पाए इसमें कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जो 90 मीटर लंबा है, 42 मीटर चौड़ा है, और हैज 2 क्रॉस रोड्स एट इस सेंटर, सेंटर पे 2 रोड क्रॉस कर रहा है, रोड जो है पैरेलल है, पैरेलल टू द लेंथ इज 7 मीटर वाइड, और जो अदर रोड है उसमें 3 मीटर वाइड है। बोथ रोड्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, देन कॉस्ट ऑफ लेइंग ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 25 मीटर² ऑन द रोड्स विल बी। क्या बात है, यहाँ पे देखिए, इधर एक हो गया रेक्टेंगुलर ग्राउंड जिसका डिमेंशन अगर देखें तो ये 90 मीटर है, ये है आपका 42 मीटर, फिर 2 रोड है, एक रोड जो है जो लेंथ के पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल मीन्स ए वाला पार्ट, इस रोड का जो चौड़ाई है ना दोस्त, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये चौड़ाई है आपका 7 मीटर, दूसरा रोड जो है ना जो चौड़ाई के पैरेलल है, जाहिर सी बात है इसकी जो चौड़ाई है थोड़ा कम है, ये क्या है आपका 3 मीटर। हमें पता करना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। अच्छा बताइए, जो लंबाई के पैरेलल है इसका चौड़ाई क्वेश्चन में दिया है 7 मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई तो 90 मीटर ही होगा, जो चौड़ाई के पैरेलल है उसका विड्थ दिया है 3 मीटर, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 42 मीटर, तो हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ क्या, पाथ या रोड। तो पहले पूरा स्ट्रिप में लंबाई वाला अगर हम कवर करें तो 7 × 90, चौड़ाई वाले को देखें तो 3 × 42, लेकिन इसमें घोटाला है। घोटाला क्या हुआ, ये जो एरिया जो दोनों ओवरलैप कर रहा है दोनों में कॉमन है, इसको लंबाई वाले स्ट्रिप में भी हमने काउंट कर लिया, चौड़ाई वाले में भी काउंट कर लिया, तो एक पर्टिकुलर एरिया 2 बार काउंट हो गया, इसको हमें 1 बार माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, देखिए लंबाई के कारण ये वाला पार्ट जो है कितना हो गया, ये वाला है 7 हो गया, ये 3 हो गया, तो हमें 21 को माइनस करना पड़ेगा, 630 में से 42 दिया 126, और यहाँ पे 21 माइनस करेंगे तो ये तो 105 हो गए, तो हो गया 735, 735 मीटर² इसका एरिया हो गया है। तो कॉस्ट कितना होगा दोस्त, कॉस्ट इक्वल टू 25 × 735 कर लेंगे, तो 25 × 25 = 125, 75 × 12 कितना होगा 87, और 175 × 8 हो जाएगा 183, सो 183 × 75 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद है आप चीज़ें समझ पाए होंगे, यहाँ पे बस रोड का एरिया निकालना था, जो बड़ी बात नहीं है। हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम, तो एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है तो प्राइम नहीं हो सकता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हो सकता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव
नंबर्स, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, आपको लगा कि नहीं हो सकता लेकिन टू एंड थ्री हो सकता है, एनी टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो प्राइम होगा ही, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स कभी भी प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है, तो टू एंड फोर, दूसरा तो प्राइम नंबर होना ही नहीं है, दो को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बॉल्स जो है सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बॉल्स के, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 20 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस है 18 बॉल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9/10, मतलब 9 का सामान किस में बेच रहा है, 10 में, तो 1 का फायदा हुआ है। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 1 का फायदा हुआ है 9 पे गुना का 100, हो गया 100/9%, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे, हमें क्या करना है कि 30%, 5% और 15% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, और डी इक्विवेलेंट का हम फॉर्मूला आपको बहुत बार बताए हैं अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो, D1 जो D2 माइनस D1 D2 बाई 100, ये कब होगा, D1 जो D2 प्लस D1 D2 माइनस 100, जब आपके पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। तो पहला डी इक्विवेलेंट है 30 और 15 का निकालेंगे, तो 30 जोड़ 15 माइनस 30 गुना 15/100, ये गया, यहाँ से आ गया 45 में से 4.5 चला जाएगा, तो 45 में से 4.5 जाके कितना होगा, 40.5 हो गया। एक तो अपने को पता चल गया 40.5 हो गया, फिर से डी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक तो 40.5 है, दूसरा है 5, तो माइनस का 40.5 को 5 से गुना करेंगे फिर 100 से भाग देंगे, तो हो गया 45.5 में से 25 एंड 5 का 20, 2.025 चला जाएगा, तो 2.025 जाने से कितना हो जाएगा, 43.475। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि इन व्हाट टाइम 6750 जो है 8924.25 हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम है, कंपाउंडिंग हो रहा है कितना आपका हाफ ईयरली, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है तो आर हो जाएगा 10%। अभी देखिए 6750 कितना होना चाहिए, 8984.25, कितना का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 0.25 तो आ गया, 4 आ गया, 8 में से 5 गया 3, और 9 में से 7 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो जो इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, 22.3425। अगर हम परसेंट निकालें, मतलब कि 22.3425 ये 6750 का कितना परसेंट है अगर हम देखना चाहें, तो आप गुना 100, ये गया गया, तो यहाँ से लग रहा है कि 33.1% आना चाहिए, करके देखना पड़ेगा, और बिल्कुल सही, ये आया है 33.1%। तो 10 को कितनी बार हम क्या करें, कैस्केड करें, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट ले, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट ले कि आपका आर इफेक्टिव क्या हो जाए 33.1%, तो आपको पता है कि एन का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि 10% एंड 10% अगर हम 3 बार लेकर जाते हैं तो 33.1% हो जाता है, तो 3 एन का वैल्यू 3 का मतलब 3 छमाही का मतलब हो गया 1.5 साल, सो 1.5 ईयर में जो काम है वो हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आनंद और उसका फैमिली जो है गुंटूर टू राजमुंदरी गया है कार से, और स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लौटा है वो लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। जब भी एक ही दूरी आप जाते टाइम V1 से आते टाइम V2 से ट्रेवल करेंगे, तो एवरेज स्पीड जो होगा इसका आता है 2V1V2/V1+V2, समझ गए, 2 गुना, 1 है 50, 1 है 60, नीचे हो जाएगा 110, गया गया, तो 10, 600 को 11 से आप भाग देंगे तो 11 55, फिर 5 तेगरचक 44, 54.54 किलोमीटर प्रति आवर, और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। 17 में क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ दो टेबल जो है 5 चेयर के बराबर है, एंड प्राइस ऑफ एक चेयर जो है वो 500 है, तो हमें बताना है 6 टेबल एंड 9 चेयर का प्राइस क्या होगा। दो टेबल का प्राइस 5 चेयर के प्राइस के बराबर है, तो टेबल एंड चेयर के प्राइस का रेशियो हो गया 5/2, बात समझ गए। अभी क्वेश्चन में बोला है कि एक चेयर का प्राइस 500 है, तो 2 का वैल्यू कितना है 500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, ऐसे ही 5 का वैल्यू हो जाएगा 1250, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी आते हैं, हमें निकालना है 6 टेबल एंड 9 चेयर का प्राइस का रेशियो, 6 टेबल प्लस 9 चेयर का एवरेज निकालना है, माफ़ करेंगे, तो एवरेज के लिए हम 15 से भाग दे देंगे,
तो क्या आ जाएगा, 6 5 30 और 9 2 18, सब हम यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, बटा 15, यहाँ से आ गया 48/15, जिसको आप 16/5 बोल सकते हैं। तो हमें 16/5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगा 16/5 × 250, क्योंकि एक यूनिट का 250 था, 50 बार में 16 5 80। क्वेश्चन का जो सही आंसर आया 800, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि राम ने 15 कुर्ता लिया है 520 में और 20 पैंट लिया है 600 में। अच्छा, 15 पैंट ऑफ 520 ईच एंड 20 पैंट्स ऑफ 600 ईच, मीन्स हर एक शर्ट का प्राइस है 520, हर एक पैंट का प्राइस है 600। 15 कुर्ता जो है वो 650 ईच में लिया है, देन एवरेज वैल्यू ऑफ आर्टिकल कितना होगा, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए बताइए, 15 शर्ट लिया है, शर्ट पैंट लिया है और ये है क्या आपका कुर्ता, यही लिया है। इसका प्राइस है 520, इसका प्राइस है 600, इसका प्राइस है 650। वो प्राइस था और नंबर हम देखने जाएं, एक लिया है 15, दूसरा लिया है 20, तीसरा भी लिया है 15। नंबर को हम रेशियो में लिख सकते हैं, तो 5 3 15, 5 5 20, 5 3 15। मान लेते हैं जो एवरेज है वो कितना है, 520 है। अगर एवरेज 520 है तो जो दूसरा पैंट वाला सेक्शन है इसमें हर एक यूनिट 80 रुपये ज़्यादा है, 4 यूनिट है तो 320 रुपये ज़्यादा लेके आएगा। ये जो है कुर्ता वाला, कुर्ता वाला हर एक यूनिट कितना ज़्यादा है, 130 ज़्यादा है, तो 130 और यहाँ पे 3 है मतलब 390 लेके आ जाएगा, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 3 7 3 10 में, तो आ गया है 520 जोड़ ये क्या हो गया 61 ने 71 ना, तो 71 हो गया, आंसर आ गया 591 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए, 19 में एक नंबर अगर डिविजिबल बाई 6 एंड 21 ए है, 21 से डिविजिबल है, तो 5 ए किससे डिविजिबल होगा। ए अगर 6 एंड 21 से डिविजिबल है मतलब एलसीएम ऑफ 6 एंड 21 का मल्टीपल होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 × 42 मतलब 42 m होगा ए। अभी क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है आपका किससे डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अगर भैया ए नहीं, 5 a का वैल्यू निकालना है, तो 5 a कितना आ जाएगा, 210 m, तो 210 m तो आपका 210 से डिविजिबल होगा, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है कि रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, तीन टाइप के ड्रग जिसका क्वांटिटी इक्वल है, 2:5, 5:9 और 8:13 है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल दीज ड्रग्स मिक्स किया गया है, तो रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर क्या होगा। एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो है, ध्यान रहे, एक में 2:5, दूसरे में है 5:9, तीसरे में है 8:13। एक शर्त है कि सबका क्वांटिटी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 7 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 14 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 21 यूनिट आ रहा है। अगर सबका क्वांटिटी बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, 21 वाले को 2 से गुना कर देते, 14 वाले को 3 से, 7 वाले को 6 से, 42 पे इक्वल हो जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 16 12 28, 28 और 15 कितना हो गया, 43, और यहाँ से देखेंगे तो 27 और 26 कितना हो गया, 53 और 30 हो गया 83, 43:83 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ इस पेपर का सलूशन होता है समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए पेपर के सलूशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।